प्रणाम पूर्णिया, आदाब पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। पूर्णिया की राजनीति और पप्पू यादव दोनों एक साथ चल रही है। मौजूदा वक्त में पप्पू यादव अपने सियासी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 9 तारीख का चुनाव किया है। इससे पहले भी वो लगातार उस इलाके में घूमते रहे हैं, लोगों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश, गाड़ी के ऊपर, छत के ऊपर, सड़क के नीचे और लोगों से हाथ मिलाते हुए पप्पू यादव कहते हैं कि प्रणाम पूर्णिया। पूर्णिया दिल में बसता है और इसी दिल के सहारे राजनीति का यकीन जीतने की पूरी कोशिश पप्पू यादव की होगी। दरअसल पप्पू यादव चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। वो जहां निकलते हैं इलाका नहीं देखते, वो जहां निकलते हैं धर्म नहीं देखते, वो जहां निकलते हैं जात नहीं देखते और वो कहते हैं कि गरीबी मिटाना है, रोजगार बढ़ाना है, लोगों के दिलों से दिल को जोड़ना है तो पप्पू यादव के साथ हाथ मिलाना होगा और उसी रणनीति के तहत पप्पू यादव निकल पड़े हैं पूर्णिया। वो लगातार कई महीनों से पूर्णिया में है, लोगों का यकीन जीतने की पूरी जद्दोजहद उनकी जारी है। 9 तारीख को एक बड़ी जनविशाल सभा हो रही है पप्पू यादव की, जिसमें उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल पप्पू यादव इस भीड़ को दिखा करके अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो जाहिर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को भी कि देखिए यहां से अगर हमें उम्मीदवार बनाया जाता है, अगर बिखराव की स्थिति नहीं होती है तो पप्पू यादव पहली ही बाजी में ये परिणाम 12 बजे तक लोकसभा का दे देगा कि पूर्णिया जो है वो पप्पू यादव का है और पप्पू यादव पूर्णिया के हो गए हैं। दरअसल इसी रणनीति पर जो है पप्पू यादव लगातार काम कर रहे हैं। वो अभी सबसे ज्यादा फोकस पूर्णिया में लोगों का दुख दर्द जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में 9 तारीख को एक बड़ी सभा होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव की सभा में बड़ी भीड़ होगी, संख्या ज्यादा होगी और ये संख्या पप्पू यादव कहते ही जो लोगों का विश्वास है, राजनीति में पप्पू यादव जद्दोजहद करने वाले मात्र ऐसे नेता है जो किसी भी इलाके के लोगों की मदद करने से पहले सोचते नहीं है कि वो कहां से आया है, उसको वोट देने का अधिकार मेरे लिए है या नहीं, या मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, ये सारी चीजें वो अलग हटा करके लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। जब वो पटना में होते हैं, जब वो मधेपुरा में होते हैं, जब वो पूर्णिया में होते हैं तो हर जगह उनका एक दरबार लगता है, लोग उनसे मिलने जुलने आते हैं और समझाने और बताने के सलीके से राजनीति के बारे में भी वो बताते हैं कि धन की राजनीति से हटिए, रोजगार की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, खलियान की बात कीजिए। तो पप्पू यादव इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के प्रणाम पूर्णिया प्रोग्राम चला रहे हैं और वो 9 तारीख को बड़ी जनविशाल सभा करने वाले हैं।